अगर आप लोग चाहते हैं कोई ऐसा आइटम इंपोर्ट करना जो इंडिया में नहीं मिलता, या आपने कोई ऐसा आप प्रोडक्ट ढूंढ लिया है जिसको आप इंपोर्ट करके इंडिया में अच्छा खासा मार्जिन कमाते हैं, हो सकता है कि आप इससे पहले से कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुई है इन द फील्ड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपके साथ वो डेवलपमेंट शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही आगे जाके आपके काम आने वाला है, आपकी प्लानिंग में काम आने वाला है कि किस तरीके से आपको इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को आगे प्लान करना है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर, आप सभी देख रहे हैं मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सबके घर वाले बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जिस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस, आपको थोड़ा बहुत तो पता लगी ना, आपको फेसलेस मतलब बिना चेहरा दिखाए असेसमेंट होना। तो ये पिछले साल के नवंबर से ही शुरू हो गया था, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। ये स्टार्ट हुआ था चेन्नई और बेंगलोर के पोर्ट से, फिर ये दिल्ली मुंबई में भी आ गया, और अभी इस महीने के 31 यानी अक्टूबर के 31 तारीख से ही ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया बेसिस पे स्टार्ट होने वाला है। तो और कई लोगों को ये भी है कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोग अभी रिसेंटली आपने कोई आइटम मंगवाया है फ्रॉम चाइना, अब मैं कुरियर की भी बात कर रहा हूँ, जो छोटा पर्सनल इंपोर्ट होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो भी इसी वजह से हो रहा है। कुरियर और फेडेक्स में भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा है, अभी भी आप फोन करेंगे तो वो लोग कहते हैं कि सर हमारा बैकलॉग है, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपको बताता हूँ कि ये फेस असेसमेंट होता क्या है। तो फेसलेस असेसमेंट जो है, फेसलेस असेसमेंट है, ये एक रिफॉर्म है, एक कस्टम्स में एक रिफॉर्म है अंडर तुरंत कस्टम, मतलब कि चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, ये शुरुआत तो हुई है इसकी कस्टम से, यानी कस्टम की असेसमेंट से, बाकी ये GST में इम्प्लीमेंट होने वाला है। अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा था 31 तारीख से, कस्टम में तो पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने वाला है पैन इंडिया बेसिस पे, इसके बाद GST में भी मेरे ख्याल ट्रायल बेसिस पे चलेगा, उसके बाद GST में भी फुल फेज में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो फेसलेस असेसमेंट है क्या? फेसलेस असेसमेंट एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल इंडिया के अंडर में एक मूव है, जिसमें कि चीज़ें डिजिटली हो, लोग गवर्नमेंट डिजिटली चीज़ों को करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी मैनुअल वर्क ना हो, कोई भी पेपर वर्क ना हो, चीज़ें डिजिटल हो जाए। अब फेसलेस असेसमेंट, पहले मैं बता दूँ कि असेसमेंट क्या होता है। अब असेसमेंट क्या होता है ना, कि जब आप कोई आइटम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो एक बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। अगर आप इम्पोर्ट करते हैं या करने वाले हैं तो थोड़ा रिसर्च करके आपको पता तो लगे गया होगा कि बिल ऑफ एंट्री नाम की एक चीज़ होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, इम्पोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल। तो जब कोई आइटम आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो हमारे इंडिया के किसी भी पोर्ट पर जाता है, तो आप जो भी CHA अपॉइंट करते हैं या कोई भी जो भी कुरियर सर्विस होता है, वो एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद क्या होता है कि बिल ऑफ एंट्री हमने यहाँ अपने कंप्यूटर में फाइल कर दी, तो वो आपके जो भी कंसर्न ऑफिसर है उस ऑफिसर की स्क्रीन में चला जाता है। अब मैं खुद एक कस्टम हाउस एजेंट हूँ, हम खुद एक एजेंट हैं, CHF प्रोवाइडिंग एजेंट और CHA हैं। तो हम क्या करते थे, अब तक क्या होता था, अब ये होता था कि हमने यहाँ बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, तो वहाँ मेरा ऑफिसर बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं और मैं यहाँ कस्टम ऑफिसर के सामने खड़ा रहता था। जैसे ही उसके एक स्क्रीन पे चीज़ें हिट करी तो मैं बताता था सर वो ये है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो ऑन द स्पॉट उनको लगता था कि हाँ भाई इसमें यह दिक्कत है, ये आइटम क्या है, मेरे को समझाओ, ये इस चैप्टर हेडिंग में क्यों, चैप्टर हेडिंग यानी CTH वगैरह डिस्कस करना, ड्यूटी फिगर डिस्कस करना, कितनी ड्यूटी दी है, एंटी डंपिंग वगैरह, कंप्लाइंसेस डिस्कस करना। तो ये चीज़ें मैं ऑन द स्पॉट ही उनके सामने खड़ा रहता था, खड़े रह के मैं उनको समझा देता था फटाफट फटाफट। तो ये तुरंत तुरंत काम होता था, एक तरह से ये तुरंत काम होता था, मैनुअल होता था बट काम झटपट होता था। बट अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा इंटरेक्शन खत्म हो जाए उस अफसर के साथ, जिस अफसर के साथ भी जो भी कंसर्न ऑफिसर है हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, तो उस ऑफिसर के साथ इम्पोर्टर का या CHA का कोई भी इंटरेक्शन ना हो, कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो। उसके पास एक सिस्टम होता है कि वो उसको कोई भी दिक्कत होती है ऑफिसर को तो वो क्वेरी रेज कर सकता है, तो वो क्वेरी ऑनलाइन रेज करता है, क्वेरी ऑनलाइन रेज करने के बाद वो हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ से उसका आंसर देते हैं और वो आंसर उसके सिस्टम में रिफ्लेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये टोटल इसी तरीके से हो। अब ये होगा किस तरीके से, अगर दिल्ली का पेपर, अब क्या होता था कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट का काम देखता हूँ सारा, अब दिल्ली एयरपोर्ट का कोई भी पेपर आता था तो हम दिल्ली एयरपोर्ट अपने चेकलिस्ट में डाल के, एक प्रॉपर कोड होता है वो कोड डाल के हम फाइल करते थे, वो दिल्ली एयरपोर्ट के अफसर के पास ही जाता था, ऑफिसर के पास जाता था, और मैं वहाँ खड़ा रहता था, मुझे पता था कि ये इस चैप्टर हेडिंग के अंदर है तो ये इस ग्रुप में जाने वाला है, इस ग्रुप का जो भी ऑफिसर है उस ऑफिसर के सामने जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब क्या होता था कि जैसे ही उनकी स्क्रीन पर क्या कहते हैं बिल ऑफ एंट्री हिट करी, उन्होंने मेरे को बताया कि ये क्वेरी है, मैंने उनका ऑन द स्पॉट मैंने उनको बताया कि ये है,
आंसर और उन्होंने पेपर आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ा दिया क्या, अप्रेजर होता है एक लेवल का, जो सबसे पहला लेवल होता है अप्रेजर, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के पास गया, उनके उनको भी कोई क्वेरी होती है, उनके पास भी जाके मैं उनको बता देता सर ये दिक्कत है, ये है और इसमें ये है, हमने ये सेटिंग में डाला है, तो वहां से फिर प्रिंट आ रहा। अब इसी चीज़ को रोकने के लिए सारा चीज़ डिजिटल कर दिया गया है। अब क्या है कि सपोज दिल्ली का पेपर है, अब दिल्ली का कोड हमने डाल के, चाहे क्यों ना दिल्ली का कोड ही डाल के फाइल किया, बट वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो पेपर कहीं भी जा सकता है। मान लो वो चेन्नई चला गया, बेंगलोर चला गया, मुंबई चला गया, गुजरात चला गया, अब वो कहीं भी जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि अब मैं दिल्ली मुंबई गुजरात तो भाग नहीं सकता कि कोई पेपर दिल्ली जा रहा है, कोई पेपर गुजरात जा रहा है, कोई पेपर मुंबई जा रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें सिस्टम में होंगी। अब उनको सामने वाले ऑफिसर को कोई भी लगता है कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो ऑनलाइन क्वेरी रेज करेंगे, हमारे पे ऑनलाइन क्वेरी का क्वेरी आएगी, हम ऑनलाइन उसको रिप्लाई करेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है इस टाइम पे कि दिल्ली का पेपर मुंबई भी जा सकता है, चेन्नई भी जा सकता है, बेंगलोर भी जा सकता है, गुजरात भी जा सकता है, बिहार भी जा सकता है। तो अभी जब इम्प्लीमेंटेशन के क्या कहते हैं ट्रायल बेसिस पे था इस टाइम पे, तो काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि एक एक पेपर का प्रिंट आने में, बल्क एंट्री फाइलिंग में, जहाँ हमको हम यू नो जब बड़ी बड़ी कंसाइनमेंटें होती है, कंसाइनमेंट आती है एयरपोर्ट पे, जैसे 500 किलो की होगी, एक टन की होगी, तो वहाँ पे पर डे का यू नो 10 रुपये पर किलो के हिसाब से डैमेज लगता है एक दिन का। तो आप समझ सकते हैं अगर एक टन का पेपर है तो 10,000 रुपये पर डे का लगता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती है इस टाइम पे, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन फेज पे है, अभी चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू ही हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों में क्या कहते हैं थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि आप चीज़ें फेस फेस हो गई हैं, वो बंदा सामने वाला ऑफिसर क्या कर रहा है इस टाइम पे, कि वो सिस्टम पे बैठा है नहीं बैठा है, वो क्वेरी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, फिर हम क्वेरी का रिप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम में उनके पास जाएगा, कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं। तो ये सारा फेसलेस असेसमेंट के अंडर आता है। अब इसको करने का मेन दो ऑब्जेक्टिव था, एक था आपका डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, और दूसरा इस चीज़ को रोकना। इसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा, आप इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो मेन था इनका डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना और इस चीज़ को रोकना। सो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी फेसलेस असेसमेंट क्या होता है। फेसलेस असेसमेंट का मतलब यही हो गया कि आप फिजिकली किसी भी ऑफिसर के सामने जाके किसी भी पेपर के रिगार्डिंग कोई बात नहीं कर सकते। दिल्ली का पेपर है वो मुंबई भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो गुजरात भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो चेन्नई भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो बेंगलोर भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। सो एक तरह से मेरा ग्रुप वाला काम खत्म हो गया। अब मैं ग्रुप में जाके ग्रुप यू नो जहाँ पे सारे अफसर ऑफिसर लोग बैठते हैं तो उसे ग्रुप कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग ग्रुप के। अब जो CTH है वो तो आपको CTH के HSN कोड के बारे में पता होगा, हार्मोनियम सिस्टम कोड जो होता है, उस पर्टिकुलर यू नो चैप्टर के अकॉर्डिंग ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स डिवाइडेड होते हैं। तो दिल्ली का पेपर है वो कहीं भी जा सकता है। सो ये प्रॉपर फेसलेस असेसमेंट का है। और अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें अभी इम्प्लीमेंटेशन यू नो ट्रायल बेसिस पे है, तो क्या होता है कि एयरपोर्ट का पेपर है। अब एयरपोर्ट के पेपर में क्या होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है, क्योंकि डैमरेज बहुत ज़्यादा लगता है। बट सी के केस में क्या होता है, सी के केस में डैमरेज का हिसाब किताब 15-20 दिन बाद शुरू होता है, शिपिंग लाइन का 15-20 दिन। तो जो माइंडसेट होता है ना ऑफिसर का सी वाले पोर्ट पे और एयरपोर्ट पे वो अलग अलग होता है। अब सी वाले पोर्ट पे क्या होता है कि वो लोग थोड़ा आराम से काम करते हैं, उनको पता है कि कोई डैमेज वगैरह लगना नहीं, आराम से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन होगी, उसके बाद हम पेपर को आगे बढ़ाएंगे। बट एयर के केस में क्या होता है कि एयर के केस में सब झटपट काम होता है, जैसे कि आज ही शिपमेंट आई तो हमें कल की डेट में उसको निकाल देना, नहीं तो परसों की डेट में उसको डैमेज लग जाएगा। बट सी के केस में ऐसा नहीं होता। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फेसलेस असेसमेंट के बाद ये किस तरीके से माइंडसेट होगा कि जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट का पेपर है तो उसे मुंबई एयरपोर्ट में जाएगा, चेन्नई एयरपोर्ट में जाएगा या सी पोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि सी पोर्ट पे पेपर जा रहे थे मेरे, पेपर पीछे एक एक एयर के पेपर थी 5-5 दिन लग गए उसका सिर्फ क्वेरी आने में। मतलब चीज़ें जो चीज़ें 5 मिनट का काम होता है उसको 5-5 दिन लग गए। सो ये ओवरऑल सारा फेसलेस असेसमेंट का था, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे इंपोर्ट प्लान कर रहे हैं तो आप अपने कंसर्न यू नो CHA से या फ्रेट फॉरवर्डर से, जिससे भी आप काम करवाते हैं, उनसे एक बार इस रिगार्डिंग बात कर लेना, और बात करके ही उसी अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को प्लान करना। और अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो नीचे एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों के कमेंट्स का जवाब दे दूँ। पीछे भी मेरे दूसरे वीडियो से बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और मैं बहुत सारे कमेंट्स का यू नो कभी कभी लेट रिप्लाई करता हूँ, कभी कभी एक आधे कमेंट छूट भी जाते हैं, तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। और अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट
में और इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा और टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूँगा।